केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा भोलेनाथ का ये 11वां ज्योतिर्लिंग, इसके दर्शन कौन नहीं करना चाहता। साक्षात मोक्ष का दरवाजा है ये, यहाँ दर्शनों के बाद पशु योनि नहीं मिलती, ऐसा वर्णन है हमारे ग्रंथों में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कम बजट में इस यात्रा को कर सकते हैं, और जो भी भक्त इस यात्रा को करना चाहते हैं इस साल 2023 में, उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डाउट है वो है बजट को लेकर, कि कम से कम क्या बजट रहता है यहाँ की यात्रा करने में। क्योंकि हर किसी वीडियो में सुनने में मिलता है कि यहाँ रेट डबल मिलते हैं, हर चीज़ महंगा है, तो क्या कितना महंगा है, कितना बजट लग जाता है एक सोलो ट्रैवलर का, एक सिंगल यात्री का केदारनाथ यात्रा करने में, और एक फैमिली ट्रिप करने में कितना खर्चा आता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है भक्तों के मन में प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको केदारनाथ यात्रा के बजट के बारे में बताऊंगा। वीडियो पूरा जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम बाबा केदारनाथ की यात्राएँ और बाबा भोलेनाथ के अन्य ज्योतिर्लिंगों की यात्राएं आपको कराते रहते हैं। तो दोस्तों, जो यात्रा है 2023 की, वो इस साल अप्रैल में शुरू होनी है, 22 अप्रैल के आसपास जो है यात्रा शुरू हो सकती है। हालांकि इसकी जो ऑफिशियल गाइडलाइन है और जो फाइनल तिथि है वो शिवरात्रि को निर्धारित की जाती है। उस दिन बाबा भोलेनाथ का जो है लगन देख कर यहाँ चारों धामों के कपाट खोलने का दिन निश्चित होता है, और जैसे ही महाशिवरात्रि आएगी उसके बाद जो है फाइनल तिथि आ जाएगी कि इस साल 2023 में कब कपाट खुलने वाले हैं। अगर आप इस यात्रा को प्लान कर रहे हैं शुरुआत के महीनों में तो उसका कुछ अलग बजट रहता है, और अगर आप इसको मिड में प्लान कर रहे हैं तो उसका अलग बजट है, और अंतिम समय में अगर लास्ट के 2 महीनों में आप यात्रा करना चाहते हैं तो उसका अलग बजट है। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ बजट जो है यहाँ भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना आपका बजट यहाँ बढ़ जाता है, और भीड़ कम होने पर यहाँ रेट कम कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका बजट यहाँ इस यात्रा में काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूँगा, पहले जो 2 मंथ हैं, यानी कि आपके मान के चलिए अप्रैल के लास्ट में कपाट खुलेंगे, मई और जून, ये 2 महीने यहाँ बिल्कुल काफ़ी रस रहता है, बहुत सारे तीर्थयात्री इस समय दर्शनों के लिए आते हैं, और इस समय भीड़ काफ़ी रहने की वजह से जो रेट है वो एकदम से बढ़ जाते हैं। और बीच के 2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त, मानसून सीजन है, इस समय यात्री बहुत कम आते हैं, तो रेट आपको हर चीज़ के नॉर्मल मिलते हैं। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में फिर से यहाँ मौसम साफ़ हो जाता है और बहुत सुंदर व्यूज़ मिलते हैं, बड़ी आसानी से उस समय यात्रा भगत जो है कर पाते हैं, तो उस समय फिर से जो है रेट यहाँ के हाई कर दिए जाते हैं। अब आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि कितना बजट है यात्री का यहाँ कंप्लीट यात्रा करने के लिए। एवरेज आपको मैं जो है बढ़े हुए रेट और जो है ऑफ सीज़न दोनों के रेटों के बारे में मैं आपको जो है इस वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिले और आप आसानी से अपनी यात्रा को प्लान कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप इस यात्रा में आना चाहते हैं तो केदारनाथ यात्रा और देश के जो उत्तर के 4 धाम हैं वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं। अगर आप इन 4 धामों की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहुंचना होता है हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश। यहां से आगे का आपका जो है प्लान, जो यात्रा शुरू होती है 4 धाम के लिए। अगर आप केदारनाथ के लिए, मैं स्पेशली बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको, तो केदारनाथ के लिए आप देश के किसी भी हिस्से से रेल के माध्यम से, बाय रोड, बसों के माध्यम से, या बाय एयर आप यहाँ पहुँच सकते हैं देहरादून एयरपोर्ट पर। यहाँ पहुँचकर आप आगे का प्लान मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि कितना बजट आपका आएगा आगे यात्रा करने में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको केदारनाथ पहुँचने के लिए जो रोड से पहुँचने का जो साधन है आपके पास, वो आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती है, सोनप्रयाग तक जो है सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लग जाती हैं, और जो बसों से यात्रा करते हैं वो जो है सीतापुर तक ही पहुंच पाते हैं। सीतापुर की पार्किंग में बसों को रोक दिया जाता है, वहां से आगे आपको पैदल जाना पड़ता है। हालांकि सीतापुर से सोनप्रयाग का जो सफ़र है वो मात्र 1.5 किलोमीटर का है, बड़ी आसानी से आप 10 से 15 मिनट में सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं।
तो बस से जाने का जो खर्च मैं आपको बताना चाहूँगा, इस साल 2023 में करीबन 600 रुपये प्रति व्यक्ति रहने वाला है। जी हाँ, अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से या देहरादून से बस से सोनप्रयाग पहुँचते हैं या सीतापुर, जैसे मैंने आपको बताया पार्किंग में आपको उतारा जाएगा, तो वहाँ तक का जो किराया है वो 600 रुपये प्रति व्यक्ति का रहेगा। 600 रुपये जो व्यक्ति का जो टिकट लगेगा ये आपका ऑफलाइन आपको मिलेगा। ऑनलाइन अगर आप टिकट बुक करेंगे तो वो आपको प्रति व्यक्ति 1000 के आसपास रहने वाला है इस साल 2023 में, क्योंकि पिछले साल जो रेट था वो 900 रुपये तक हाई रहा था, लेकिन इस साल 23 में जो है रेट बढ़ेंगे, तो 1000 रुपये तक का आपका बस का टिकट ऑनलाइन अगर आप पहले से बुक करेंगे तो आपको मिल सकता है हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए। और इस तरीके से जो है आप सुबह बसें निकलती हैं 4 से 5 बजे या 6 से, मैक्सिमम आपको ऋषिकेश से 7 बजे तक बस मिलेगी सोनप्रयाग के लिए। और सुबह सुबह जो आपको बस जो है सफ़र आप शुरू करेंगे तो शाम को करीबन 10 से 12 घंटे मैक्सिमम मान के चलिए आप सोनप्रयाग तक पहुंच जाते हैं। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद आपको यहाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि रात के समय में आप पैदल ट्रैक नहीं कर सकते केदारनाथ जी का, आपको रास्ते में रोक दिया जाएगा। इसलिए आप उस दिन स्टे कीजिए, बस से जा रहे हैं तो आप सीतापुर में ही रुक जाइए, और अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप सोनप्रयाग तक की पार्किंग तक जा सकते हैं। और सोनप्रयाग और सीतापुर में बहुत सारे आपको होटल मिल जाएंगे, पक्के होटल हैं, यहाँ आपको अच्छे फैसिलिटीज़ वाले रूम भी मिल जाते हैं। और यहाँ आपको नाइट स्टे करने के बाद आगे जो यात्रा का पड़ाव है वो आपका शुरू होने वाला है गौरीकुंड तक। गौरीकुंड तक जो है सफ़र सोनप्रयाग से गौरीकुंड का सफ़र 5 किलोमीटर का है। 5 किलोमीटर की यात्रा आपको छोटी गाड़ियों से करनी होती है। इसके लिए जो किराया है वो 50 रुपये प्रति व्यक्ति था 2022 साल में, तो इस साल हो सकता है ये किराया 60 से 65 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है 2023 की यात्रा में। तो इतने किराए में आप छोटी गाड़ी से गौरीकुंड पहुँच जाएंगे, और गौरीकुंड से आगे का जो सफ़र है 16 किलोमीटर का, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले यहां तक मैं आपको खर्च के बारे में बता देता हूं। आप 600 रुपये की टिकट में मान के चलिए हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग आप रात को स्टे करेंगे तो वहां आपको सोनप्रयाग में प्रति व्यक्ति 1000 रुपये से लेकर प्रति व्यक्ति 3000 रुपये तक के होटल मिलते हैं, और वहाँ आप रुक सकते हैं। तो कम बजट की बात करूँ तो मैं 1000 रुपये में आपको नाइट स्टे मिल जाएगा, और जो रात का खाना है वो आपको 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ मिल जाता है। सादा खाना जो है दाल चावल रोटी सब्जी आपको यहाँ मिलती है। और अच्छे अगर स्टे की मैं बात करूँ तो प्रति व्यक्ति आपको यहाँ 2000 से 3000 रुपये, यानी कि डबल बेडरूम है वो 5 से 6000 रुपये प्रति व्यक्ति मिल जाता है, जिसमें आपको अच्छी सुविधाएँ मिल जाती हैं। और यहाँ आपको खाना 300 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल जाता है। तो ये आपका बजट रहेगा सोनप्रयाग तक का। यहाँ आप रुकेंगे तो आपका जो रुकने का खर्च 1000 रुपये और आपका बस का खर्च 600, यानी कि आपका 1600 रुपये, और एक समय का खाना आप 200 रुपये लगाइए, या 1800 रुपये में आप जो है सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड के लिए चलेंगे, तो 1900 रुपये में आप पहुंच जाएंगे लगभग गौरीकुंड तक। अब गौरीकुंड से जो यात्रा स्टार्ट होगी बाबा केदारनाथ जी की, वो अगर आप पैदल करना चाहते हैं तो 16 किलोमीटर आप बड़ी आसानी से चलकर 7-8 घंटे में ऊपर केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप चलने में समर्थ नहीं हैं और आप घोड़े से इस यात्रा को करना चाहते हैं, तो घोड़े से यात्रा करने का जो किराया था 2022 में वो 2350 रुपये था। इस साल जो किराया बढ़ के आने के रेट हो सकते हैं वो 2500 रुपये तक प्रति व्यक्ति का हो सकता है। 2500 रुपये के किराए में आप आसानी से केदारनाथ घोड़े से पहुंच सकते हैं। और पिट्ठू की अगर मैं बात करूं और पालकी की बात करूं तो इनके रेट काफ़ी हाई रहते हैं। इनके रेट वजन के हिसाब से होता है। अगर यात्री का वजन 60 किलो से ऊपर रहता है तो उसके वजन के हिसाब से यहाँ पालकी वाले किराया लेते हैं। मान के चलिए 14,000 से 15,000 रुपये यहाँ एक पालकी का किराया रहता है ऊपर केदारनाथ तक एक यात्री को छोड़ने का। तो इस तरीके से आप इतने किराए में ऊपर केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और जो यात्री पैदल ट्रैक कर रहे हैं वो शाम तक ऊपर मंदिर पर पहुंच जाएंगे, और वहां आपको रुकने की व्यवस्था करनी है। तो केदारनाथ में आपको जो है पक्के होटल बहुत कम मिलते हैं, यहाँ टेंट सबसे ज़्यादा हैं। तो टेंट जो है
वो अगर आप लिंचोली या केदारनाथ बेस कैंप के आसपास लेते हैं तो प्रति व्यक्ति आपको 500 रुपये का टेंट मिल जाता है, और अगर आप मंदिर के आसपास टेंट लेते हैं तो प्रति व्यक्ति आपको 1000 से लेकर 1500 रुपये पर यात्री के हिसाब से पे करना होता है। और अगर पक्के होटलों की मैं बात करूँ तो यहाँ गिनती के होटल हैं जिनमें आपको प्रति व्यक्ति 2000 से लेकर 3000 रुपये तक का एक व्यक्ति को यहाँ रात का खर्च आता है रुकने के लिए, और आप यहाँ रात को कमरा ले सकते हैं। दो बेड की मैं बात करूँ तो 6000 से लेकर 8000 रुपये तक का डबल बेडरूम यहाँ केदारनाथ जी में मिलता है। और खाने की बात करें तो यहाँ आपका जो खाने का रेट है वो प्रति प्लेट 300 रुपये से लेकर यहाँ 400 रुपये तक का भी रहता है, और इतने रुपए में आप आसानी से भरपेट खाना यहाँ खा सकते हैं। तो मान के चलिएगा केदारनाथ मंदिर के आसपास आपका रुकने का 1000 रुपये प्रति व्यक्ति और 500 रुपये का आपका खाने का खर्च मैं इसमें लगा के चलता हूँ, तो 1500 रुपये ये, और मान के चलिए 2000 रुपये आपका पीछे खर्च आया था, तो 3500 रुपये में आपका जो है केदारनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। अब बात करते हैं वापस के सफ़र की। तो शाम को आप केदारनाथ मंदिर में रुकेंगे, शाम की आरती का दर्शन कीजिए, और शाम की आरती के बाद आप यहाँ रात को रुकेंगे, और सुबह 3 किलोमीटर केदारनाथ मंदिर से भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ दर्शन करके आप नीचे की ओर वापस चलेंगे। तो शाम तक आप बड़ी आसानी से सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे, और सोनप्रयाग आपको फिर से स्टे करना पड़ेगा, और यहाँ आप फिर से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति का खाना और रहने का खर्च मान के चलिए। तो हमने 3500 रुपये पहले जो है खर्च जोड़ा था, अब 1500 रुपये ये इसमें जोड़ लेते हैं, तो आपका जो खर्च है वो 5000 रुपये तक आता है, जो आप कम बजट में अगर केदारनाथ जी के दर्शन हरिद्वार से करना स्टार्ट करते हैं, और केदारनाथ दर्शन करने के बाद आप वापस सोनप्रयाग तक आ जाते हैं, और उसके बाद अगले दिन आप चलेंगे यहाँ से बस से अगर वापस आएंगे तो 600 रुपये आपका बस का फिर से टिकट लगेगा, और 5600 रुपये का लगभग आपका खर्च आएगा। बड़ी आसानी से आप हरिद्वार से लेकर हरिद्वार वापस पहुँच सकते हैं, 5600 रुपये के खर्च में बाबा केदारनाथ जी की यात्रा आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप चार धाम की यात्रा करते हैं तो उसके लिए अलग जो है खर्च आता है, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आप चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें आपको रुकना और खाना और किराए का कितना खर्च आएगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको स्पेशली केदारनाथ जी के बारे में बताया है कि कैसे आप केदारनाथ कम बजट में यात्रा कर सकते हैं। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो आप 5600 रुपये के खर्च में बड़ी आसानी से केदार बाबा की यात्रा कर सकते हैं, और इस बजट को मैं अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो 9 से 10 हज़ार रुपये आपका मैक्सिमम खर्च आता है प्रति व्यक्ति का, और आप आसानी से केदारनाथ बाबा के दर्शन सुविधाजनक करके वापस अपने घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ यात्रा करने से पहले आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी पहले से होनी चाहिए, और अगर आप बुकिंग अपनी पहले से करा के रखेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है सुविधाजनक आपकी यात्रा हो सकती है। और इस यात्रा रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या अगर आप कोई भी एडवांस बुकिंग कराना चाहते हैं 2023 की यात्रा के लिए, तो इसके रिगार्डिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिलेगा, उस नंबर पर संपर्क करके आप ये बुकिंग्स करा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।